हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, ऑल गुड। लास्ट क्लास में सैलरी कैलकुलेटर कर रहे थे, कुछ आपने 115 बीएसी का किया है। आई होप आप सभी मेरे साथ शेयर करेंगे जो भी आप 115 बीएसी, बिकॉज हर चीज मैं बताऊंगी तो आप अपनी तरफ से कभी भी लॉजिक्स लगाना नहीं सीखेंगे। हाँ, जो भी स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम है आप 5 to 6 के बीच में मेरे साथ बात कर सकते हो। नहीं लग रहा तो मैं आपके साथ फाइल शेयर करूंगी, यहाँ नहीं करूंगी। मैं चाहती हूँ कि आप खुद प्रैक्टिस करें उसकी। चलिए, लास्ट क्लास में हम अगर देखें तो हमने कितना काम कर लिया था। आइए मेरे साथ, हमने देखा था कि 0 to 2 lakh 50,000 तक 0% इंटरेस्ट लगता है। देन उसके बाद हमने यहाँ पर फॉर्मूलाज वगैरह लगा लिए थे, ठीक है, कि हमारा कितना जो है यहाँ पर आएगा। अगर लेस देन इक्वल टू 2 lakh 50,000 है, देन जो भी D6 की वैल्यू है वो आए, और अदरवाइज जो है 2 lakh मैक्सिमम जो है यहाँ पर 2 lakh 50,000 तक लिखा है, एंड सो ऑन। हमने सभी पर ये काम कर लिया था, क्लियर। आफ्टर दैट वेट की बात तभी आती थी जब हमारा जो टोटल इनकम है, टोटल इनकम है वो लेस देन 5 lakh है, देन उस केस में मुझे रिबेट जो मिलेगा, दैट इज मैं अगर यहाँ पर देखूं तो यहाँ पर मुझे जो रिबेट मिलेगा वो मैक्सिमम 12,500। हमने मीन का फंक्शन लगाया, मीन्स जितना भी आपका टैक्सेशन कैलकुलेट होगा, एंड 12,500 विच एवर इज लोअर वो आपको रिबेट जहां पर मिलेगा, ठीक है। यहां तक सबको क्लियर हो गया था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम, और उसके बाद हमारा बेसिक टैक्स है। बेसिक टैक्स पर हमारा सरचार्ज ऐड होता है। जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि अगर आप 50 lakh से अबव, नॉट 50 lakh इंक्लूडेड नहीं है, 50 lakh से अबव अप टू 1 crore तक अर्न करते हो तो 10% जो भी आपका ऊपर टैक्स आया है उस पर कैलकुलेट होगा। अगर 1 crore to 2 crore आप जो है वो अर्न करते हो तो आपका 15% हो जाता है, अदरवाइज 2 to 5 में 25 हो जाता है, और अबव 5 आपका 37% सरचार्ज लगता है। तो सरचार्ज ऑब्वियसली यहाँ पर जो भी टैक्स लाइबिलिटी आएगी, आपका जो भी टैक्स लाइबिलिटी ऊपर आएगा, दिस वन जो भी आपका बेसिक टैक्स आएगा बिफोर एडिशन ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, आपने क्या करना है उस पर सरचार्ज लगा देना है। सरचार्ज के लिए मैंने आपको जो फॉर्मूला करवाया था, अगर आप फॉर्मूला को ध्यान से देखें इसको, कि अगर लेस देन 50,000 है और इक्वल टू 50,000 है देन 0। अगर आपका जो इनकम है D6 मींस जो आपने ऊपर इनकम, टोटल इनकम लिखी हुई है, अगर वो लेस देन मींस इससे ज्यादा होगी, लेस देन 1 crore है देन 10%, अगर 2 crore से कम है तो 15%, 25%, 37%। आई थिंक दिस थिंग इज क्लियर टू यू ऑल, बिकॉज हम जो हैं ऑलरेडी बहुत सारे इफ फंक्शंस लगा चुके हैं वेरियस डेटा पर। ये आपको क्लियर होगा, फिर भी आपको कभी भी दिक्कत आए ना तो आप प्लीज मुझसे बात करें इसके रिगार्डिंग, मुझे अच्छा लगेगा कि बच्चा कोशिश कर रहा है। मार्जिनल लीफ, मैंने बोला था कि नेक्स्ट क्लास में मैं आपको मार्जिनल लीफ का कॉन्सेप्ट करवाऊंगी कि मार्जिनल लीफ कब आता है। चलिए पहले मैं थोड़ा सा आपको मार्जिनल लीफ के बारे में बता दूं, क्योंकि अगर आपको मार्जिनल लीफ नहीं भी पता है तो देन आप लॉजिक कैसे लगाओगे, लॉजिक्स आपको कैसे लगाना है वो मैं आपको बताती हूँ कि मार्जिनल लीफ कब मिलता है। देखिए, मैंने आपको बोला कि अगर आपकी इनकम 50 लाख से ज्यादा है, मान लीजिए आपने जो अर्न किया है, आपने अर्न कर लिया, आपने अर्न किया है 51 lakh, आपने 51 lakh अर्न किया, ठीक है, मुझे बताइए कि 51 lakh पर कितना टैक्स आएगा। अगर सीधी सीधी बात करूं तो आपका अप टू 10 lakh तक तो कितना आता है, आपका 1 lakh अप टू 10 lakh तक आपको टैक्स देना पड़ता है 1,12,500, इतना आता है। अच्छा, ऊपर कितना, 10 lakh से ऊपर, अप टू, अगर मैं बात करूं अप टू 10 lakh, अप टू 10 lakh तो आपको इतना पे करना पड़ेगा, ठीक है, दिखाई दे रहा है, राइट। उससे अबव आपने कितना जो है वो अर्न किया है, मैं एक बार ढंग से लिख दूं ताकि आपको समझ आए। इसके दो टुकड़े करेंगे हम, देखो 10 लाख तक तो आपको पता ही है कि 10 लाख तक हम
10 लाख तक हमें टैक्स कितना देना पड़ता है? 1,12,500. वी ऑलरेडी नो अबाउट इट, राइट? अच्छा, ऊपर कितना अर्न किया है? 10 लाख से ऊपर कितना अर्न किया है? 41 लाख. तो 41 लाख पर 30% के अकॉर्डिंग मेरा कितना टैक्स बन जाएगा बताइए. 41 लाख पर 30% के हिसाब से आपका अराउंड टैक्स बन जाएगा 12,30,000. कितना बन जाएगा? 12,30,000. आप दोनों को ऐड कर दीजिए, प्लस 1,12,500, ठीक है? तो ये आपका बन गया 13 लाख. हो सकता है कैलकुलेशन में गलती हो, लेकिन कॉन्सेप्ट ऐसे ही होगा. तो ये आपका टोटल टैक्स बन जाता है. इस पर ये टोटल टैक्स आपका बन गया. टोटल टैक्स नहीं कह लो, बेसिक टैक्स बन गया आपका. टोटल टैक्स ना कह के मैं इसको बेसिक टैक्स बोल दूं. इस पर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगाते हैं, बट हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगाने से पहले, क्योंकि हमारी जो इनकम है दैट इज ग्रेटर देन 50 लाख, वो 50 लाख से ज्यादा है, तो दैट्स वाई यहाँ पर सरचार्ज की बात की जाएगी. अब सरचार्ज कितना लगेगा? क्योंकि 50 लाख 1 करोड़ से कम है, तो सरचार्ज कितना लगेगा? 10%. और 10% किसका? इसका. तो यहाँ पर सरचार्ज लगाएंगे हम. कितना? 10%. देखिए, सरचार्ज लगाइए 13 लाख. ये मैं इसलिए समझा रही हूँ कि लॉजिक एक्सेल में आपने खुद लगाने हैं. उसका 10% हमने कर दिया तो 1,34,250 रुपीज आ गया, राइट? तो दोनों को प्लस कर दीजिए. ऊपर वाला 13,42,500 में नीचे वाला प्लस कर दिया तो मेरा 14,76,750 आ चुका है. इतना टैक्स आ गया मेरा. मेरी बात सुनो बच्चे, क्या कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं है कि ये आपके साथ बेइंसाफी हो रही है? आप अगर इसको ध्यान से देखोगे, दिखाई दे रहा ना, अगर ध्यान से देखो तो 14,76,750. अगर 50 लाख ही कमाती तो कितना टैक्स आता? अच्छा, अगर सिर्फ हम 50 लाख ही कमाते तो हमारे पर कितना टैक्स आता? चलिए वो भी चेक कर लेते हैं. अगर हमने सिर्फ 50 लाख ही कमाया होता, कहाँ गया ये कमाल का है? 2 मिनट. अगर मैंने सिर्फ 50 लाख ही कमाया होता तो मुझ पर कितना टैक्स आता? ऑब्वियसली अप टू 10 लाख जो है, वो तो मुझे 1,12,500 ही देना पड़ता, नो डाउट. वो तो मुझे 1,12,500 ही देना पड़ता, लेकिन उससे अबव मैंने कितना कमाया? अब 41 लाख नहीं, उससे अबव कितना कमाया? 40 लाख. तो मुझे कितना पे करना पड़ता? 40 लाख का 30% कर दिया, 12 लाख हो गया. चलिए एक बार चेक भी कर लेते हैं. 40 लाख का 30% कर देते हैं, 12 लाख. तो मुझे कितना पे करना पड़ता? 12 लाख. ये कैसा लिखा, दिखाई दे रहा है आपको? तो मुझे बताओ टैक्स कितना पे करना पड़ता? आपको टैक्स पे करना पड़ता 13,12,500, एम आई राइट? ये आपका बेसिक टैक्स हो जाता. दिस इज योर बेसिक टैक्स. अब देखो, सिर्फ आपने 1 लाख ऊपर कमाया, 1 लाख ऊपर कमाने से आपके टैक्स में इंक्रीमेंट कितना हो गया? इन दोनों में डिफरेंस देखो. 1 लाख ऊपर कमाने से आपके टैक्स में कितना इंक्रीमेंट हो गया? क्योंकि यहाँ पर सरचार्ज नहीं लगेगा. देखो, 4% तो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस में भी लगेगा, इसमें भी लगेगा, पर यहाँ पर ये 10% नहीं आएगा. सिर्फ वो 1 लाख कमाने से आपका टैक्स कितना बढ़ गया? अब आप दोनों को माइनस कर दो, 14,76,750 में से माइनस कर दीजिए आप 13,12,500. तो बताइए कि कितना आपको टैक्स ज्यादा देना पड़ा? 1,64,250.
आपको के अपने पास ही रख लो ये 1 लाख। 1 लाख कमाने से मेरे टैक्स में जो इंक्रीज है वो 1,64,000 और जा रहा है मेरे पॉकेट में से, तो ये तो बेइंसाफी होगी ना। क्लियर समझे? 51 लाख, 50 तक कमाती तो इतना टैक्स देना पड़ता, 51 लाख कमाया तो इतना टैक्स, मींस टैक्स कितना हो गया, कितने से बढ़ गया, 1,64,000, जबकि ऊपर कमाया सिर्फ ऊपर कितना, 1 लाख। अब गवर्नमेंट कहती है कि ठीक है हम आपके दर्द को समझते हैं, तो ऐसा कीजिए कि आप कितना रेडी होगे हमें टैक्स देने के लिए अगर आप थोड़ा सा ऊपर कमाते हैं। हम कहते हैं कि इतना रेडी होंगे कि जितना हमने कमाया सिर्फ उतना ले लो, उससे ऊपर तो नहीं देंगे हम। तो इसलिए कि जो भी आपका टैक्स बनता है 13,12,500 और 50 लाख से ऊपर कितना कमाया, 1 लाख, मतलब इतना ले लो आप, 1 लाख जो हमने ऊपर कमाया ना वो भी ले लो आप, चलो वो भी दे दिया, तो मैक्सिमम वी आर रेडी टू गिव 14,12,500 इतना है। तो इन दोनों में से जो डिफरेंस है ये आप रेडी हो देने के लिए, लेकिन वो मांग कितना रहा है, वो मांग इतना रहा है, इन दोनों में जो डिफरेंस होगा, इन दोनों में से जो डिफरेंस होगा मींस 14,76,750 और 14,12,500, इन दोनों में जो डिफरेंस हमारा आएगा दैट इज कॉल्ड मार्जिन रिलीफ, उसको हम मार्जिन रिलीफ कहते हैं। तो यहां पर ये देखो मैंने क्या कर दिया, एक बार खुद भी कैलकुलेट करके देख लो, देखो एक्सेल में तो हम ऑटोमेट कर देते हैं तो चक्कर ही नहीं कोई होता। तो आपको मार्जिन रिलीफ कितना मिलेगा, 64,250, दैट इज योर मार्जिन रिलीफ, ये आपको मार्जिन रिलीफ मिल जाएगा। कॉन्सेप्ट समझ में आया? ऐसा ही आप कर सकते हो कि अगर आपने 1 लाख कमाया है तो इस केस में भी जैसे ही आप 1 लाख ऊपर कमाते हो तो आपका सरचार्ज कितना हो जाता है, 15%। तो इसको भी आप ऐसे ही निकालोगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे, आप पहले 1 लाख तक जो है वो निकाल दो कि कितना टैक्स बनता है। ऑब्वियसली पहले 10 लाख पर देखिए कि आपका टैक्स कितना बनता है, 10 लाख पर 1,12,500 ये आपका टैक्स बना, ठीक है, और 10 लाख से ऊपर कितना कमाया, 10 लाख से ऊपर कमाया 91 लाख, तो 91 लाख पर एट द रेट ऑफ 30% कितना बन जाता है हमारा, 91 लाख पर एट द रेट 30% बन गया 27,30,000, तो प्लस कर दो इसमें 1,12,500, दिस इज आर 28,42,500, ये हमारा बन गया, ठीक है। अब इस पर सरचार्ज जो लगेगा, दिस इज आर बेसिक टैक्स, इस पर सरचार्ज जो लगेगा दैट इज 15%। अब इस पर जो सरचार्ज है 15% से निकाल लीजिए तो वो आपका आ जाएगा 4,26,375, तो टोटल टैक्स आपका आ जाएगा 28,42,500 में प्लस कर दीजिए, टोटल टैक्स आपको देना पड़ेगा 32,68,875। अब आप क्या करेंगे, अब आप यहां पर अगर सिर्फ 1 करोड़ कमाते, आपने 1 लाख ऊपर कमाया तो 15% सरचार्ज हो गया, सिर्फ 1 करोड़ कमाते तो 10% लगता, तो उसके अकॉर्डिंग आप टैक्स निकाल के देख लो, 1 करोड़ के अकॉर्डिंग टैक्स निकाल के देख लो, और आपने ऊपर इनकम कितना कमाया 1 लाख, उतना मैक्सिमम आप रेडी होके देने के लिए। तो आप क्या करेंगे यहां पर, चलिए दूसरे कलर से ले लेती हूं मैं, 2 मिनट मुझे पेन चेंज करने दीजिए, ये वाला ले लेते हैं, ठीक है। अब मेरी बात सुनिए, अब मैक्सिमम आप कितना रेडी हो गए, आपने कहा अगर हम 1 करोड़ कमाते तो 10 लाख तक आप हमसे 1,12,500 ले लेते, उससे ऊपर कितना कमाते 90 लाख, 90 लाख के अकॉर्डिंग 27 लाख आप हमसे और ले लेते, तो यहां पर 28,12,500 आता, क्योंकि 1 करोड़ कमाया 50 लाख से ऊपर है। हाँ हमें पता है आप 10% सरचार्ज भी लोगे, ठीक है, तो इसका सरचार्ज हमारा हो जाता 2,81,250,
तो टोटल टैक्स हमारा कितना बनता, टोटल टैक्स हमारा कितना बनता, 28 लाख, देख लीजिए, 12,500 प्लस 2,81,250, तो टोटल टैक्स कितना बनता है, 30,93,750, राइट। अच्छा मैक्सिमम और हम कितना दे सकते हैं, इतना तो टैक्स बन ही रहा है, 1 लाख जो ऊपर कमाया वो भी हमसे ले लो, हम तो इतना कर सकते हैं ना, जो ऊपर कमाया वो भी ले लो, तो 31,93,750। लेकिन आप हमसे टैक्स कितना मांग रहे हो, आप टैक्स तो 32,68,875 मांग रहे हो। तो इन दोनों में जो डिफरेंस होगा, इन दोनों में जो डिफरेंस होगा, दैट इज योर मार्जिनल लीफ। तो मार्जिनल लीफ सिर्फ तब आएगा जब आपका जो इनकम है वो सरचार्ज के स्लैब में फॉल करेगा, और आपका इनकम जो है वो उस थ्रेशोल्ड लिमिट से थोड़ा बहुत ऊपर जाएगा। जब थोड़ा बहुत ऊपर जाएगा तो पूरे टैक्स पे 15% या 25% या 37% आता है, तो उस केस में आपको मार्जिनल रिलीफ निकालना पड़ेगा। तो आपको कि फिर मैम 2 करोड़ पे भी निकालना पड़ेगा, 5 करोड़ पे भी, तो हर क्लाइंट के लिए ऐसे करेंगे तो बहुत लंबा काम है, आपके लिए नहीं है, आपने तो एक्सेल में एक बार फॉर्मूला लगा के छोड़ देना है। तो वही मैं बता रही हूँ कि इसी का लॉजिक अब आप एक्सेल में लगाओगे। चलिए चलते हैं अपनी एक्सेल पर, देखिए क्या लॉजिक लगाया है। यहाँ पर फॉर्मूला है, मैं आपको एक बार फॉर्मूला दिखा दूंगी, ठीक है। ऊपर वाला हमने सारा बना लिया था, सिर्फ मैंने आज मार्जिनल लीफ आपको बताना है। मार्जिनल लीफ के लिए मैंने एक टेबल बना लिया है, बस टेबल में मैंने क्या किया है, यहाँ पर सिर्फ इनकम लिखी है कि अगर एग्जैक्टली 50 लाख तक होगी, क्योंकि जैसे ही 51 लाख होगा आपका इनकम, तो आप क्या करेंगे, 50 लाख तक टैक्स निकालेंगे प्लस जितना एक्स्ट्रा इनकम है उसको ऐड करेंगे। तो पहले मैंने देख लिया कि एग्जैक्टली अगर 50 लाख तक कमाया जाए तो टैक्स कितना निकलता है, टोटल टैक्स मेरा कितना होता है, ठीक है। अगर एग्जैक्टली मैं 1 करोड़ कमाऊं तो मेरा टोटल टैक्स कितना होता है, और एग्जैक्टली अगर 2 लाख कमाऊं तो टैक्स कितना होता है, एग्जैक्टली अगर मैं 5 करोड़ कमाऊं तो टैक्स कितना होता है, जो भी टैक्स होगा। अगर एग्जैक्टली मैं 50 लाख कमाऊं तो सरचार्ज तो जीरो रहेगा, तो वही हमारा क्या आ जाएगा, टोटल टैक्स। अगर एग्जैक्टली मैं 1 करोड़ कमाऊं, ये देखो एग्जैक्टली मैंने 1 करोड़ कमाया था, ये देखिए एग्जैक्टली 1 करोड़ कमाया था, इतना टैक्स आया था, उस पर 10% मैंने सरचार्ज ऐड किया था, तो टोटल मुझे कितना देना पड़ रहा है, इतना। तो यही बस मैंने जो यहां करके दिखाया है वही मैंने यहां लिखा है, यहां मैंने कोई फॉर्मूला नहीं लगाया, ठीक है। ये मैंने कहां से किया, मैंने जो हमारा ऊपर वाला है ना, यहां पर मैंने 50 लाख जो है, यहां पर मैं 50 लाख ऐड कर दिया मैंने, 2 मिनट, यहां पर मैंने 50 लाख लिख दिया, जो भी इनकम आई है ना इसको कंट्रोल सी किया और नीचे मैंने कंट्रोल वी कर दिया, कंट्रोल ऑल्ट वी, सिर्फ वैल्यू ली है बस। वहां ऊपर मैंने इनकम लिख के यहां पर जितना टैक्स अप टू 1 करोड़ बनता है, जितना टैक्स 2 लाख तक बनता है, वो सारा मैंने यहां पर लिख दिया है बस। ये अलग से मैंने एक टेबल डिजाइन किया है, इतना टेबल समझना है अभी आपने, ठीक है। ये टेबल आपको बनाना है। फिर उसके बाद मैंने क्या किया है, देखो उसके बाद मैंने क्या किया कि इतना ऊपर से मैंने कॉपी करके यहां पर पेस्ट कर दिए। अब इस पर कोई सरचार्ज लगेगा, नहीं लगेगा, तो इस पर सरचार्ज कैसे आएगा, दिस मल्टीप्लाई बाय आपका जो भी सरचार्ज अमाउंट है, तो यहां कोई सरचार्ज नहीं, आप इसी को नीचे को क्या कर लोगे, कॉपी कर लोगे, तो कंट्रोल डी कर लिया मैंने, कॉपी कर लिया, सबका सरचार्ज आ गया। तो आपका टोटल टैक्स कितना बनेगा, जो भी टैक्स कैलकुलेट किया प्लस सरचार्ज, ये टोटल टैक्स बन जाएगा। तो सभी स्लैब्स के अकॉर्डिंग मैंने जैसे जैसे सरचार्ज, अगर एग्जैक्टली 5 करोड़ कमाती तो मुझे कितना सरचार्ज लगता, तो वो मैंने यहां पर कैलकुलेट इस टेबल में करके रख लिया बस, राइट। अब मैं मार्जिनल लीफ निकालूंगी। मैं मार्जिनल लीफ कैसे निकालती हूँ, आप पहले लॉजिक्स पे जाइए। मार्जिनल लीफ मैं कैसे निकालती हूँ कि जो भी मुझे इनकम दे रखी है, जो मेरी ओरिजिनल इनकम है, जो मैंने अर्न की है, ठीक है, उसमें जाती हूँ, उसमें मैं क्या कर लेती हूँ, उसपे मैं कैलकुलेट कर लेती हूँ कितना टैक्स है। टैक्स कैलकुलेट करने के बाद, सरचार्ज वगैरह लगाने के बाद, उसके बाद मैं चेक करती हूँ कि अगर मैं सिर्फ
जो जैसे 1 करोड़ है, अगर ये इस सीरीज में 1 करोड़ वाली सीरीज में फॉल कर रहा है, अगर मैं इतना ही कमाती तो मेरा टैक्स कितना होगा? ये तो हमने इस टेबल में बना दिया ना कि 1 करोड़ ही ऐड करते अर्न करते तो कितना होता, ये हमने इस पे कर लिया, ये हमने इस टेबल में कर लिया है। टोटल टैक्स कितना है, टोटल टैक्स आपको कहां से पता चलेगा? ये तो आपको ऊपर से पता चल जाएगा। ये तो हमने लास्ट क्लास में कहा कि बेसिक टैक्स, उस पे सरचार्ज, ये आपका टोटल आया। इसी सेल को मैंने नीचे कॉपी किया हुआ है। बस टोटल टैक्स में आपने क्या करना है, आपने इक्वल टू डालना है, जो भी ऊपर टैक्स कैलकुलेट होता है, सरचार्ज उसमें ऐड होता है, उसके टोटल को नीचे लिख देना है, बस यहां लिख देना है, दैट्स इट। ये हमने लिख दिया यहां पर। अब आपको क्या निकालना है, अब आपको निकालना है कि आपका अगर हायर सरचार्ज हम नहीं लगाते तो हमारा कितना एडिशनल इनकम बन, आपका एडिशनल कितना टैक्स बनता, कितना टोटल टैक्स बनता, मींस आपको ये कैलकुलेट करना है, ये वाला पार्ट आपको कैलकुलेट करना है, बस इसी पे लॉजिक लगाना है, बाकी कुछ नहीं है, बाकी तो आपका सिंपल सा था। अब ये कैसे करेंगे आप, इसके लिए फॉर्मूला को ध्यान से आपने देखना है कि हम ये फॉर्मूला कैसे लगाएंगे। ऑब्वियसली यहां पर ये टेबल आपने बनाना होगा। अगर आपका इनकम, वही सेम फॉर्मूला मैंने लगाया है, देखिए, अगर D6 सुपर इनकम दिया हुआ है, अगर मेरा इनकम 50 लाख से कम होगा, राइट, तो क्या होगा, जो मेरा इसमें जो अगर 50 लाख से कम होगा तो ऑब्वियसली कोई सरचार्ज की बात ही नहीं आती, तो उतना ही टैक्स बनेगा जो यहाँ लिखा हुआ है, तो जो यहाँ लिखा हुआ है वही यहाँ पर लिख दे, यही है, राइट। अगर वो 1 करोड़ से कम है, राइट, मतलब 50 लाख से, इसका मतलब 50 लाख से ज्यादा है लेकिन 1 करोड़ से कम है, तो उस केस में क्या करें, उस केस में जो आपका ये वाला टैक्स बनेगा ना फिर, क्योंकि मैंने देखना है ना कि अप टू 50 लाख तक कैसे कितना टैक्स बनता है, तो अगर मैंने 51 लाख कमाया तो मेरा किस स्लैब में फॉल करेगा, इसमें नहीं, मैंने 51 लाख तो मींस लेस देन तो नहीं है, इसमें फॉल करेगा, तो मुझे, मैंने 50 लाख कमाती तो मेरा कितना टैक्स बनता, उसके लिए मैंने यहाँ पर तो ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है। यहाँ पर मैंने क्या किया कि अगर मैंने लेस देन 1 करोड़ है तो जो यहाँ पर टोटल टैक्स लिखा हुआ है वो आ जाए, राइट। अगर ऊपर D6 जो है वो D6 लेस देन और इक्वल टू 2 करोड़ है तो मुझे देखना पड़ेगा कि अगर मैं 1 करोड़ तक कमाती तो मेरा टैक्स कितना होता, तो ऑब्वियसली वो तो मैंने यहाँ कैलकुलेट कर लिया, 10%, तो ये टैक्स आएगा, राइट। ऐसे ही फिर मैंने कहा कि अगर मेरा 5 करोड़ तक कम है, अच्छा तो आपको फॉर्मूला दोबारा लगा के दिखाऊं, चलिए लो मैं आपको यहाँ फॉर्मूला लगा देती हूँ, इक्वल टू इफ लीजिए, अगर मेरा इनकम किसमें लिखा हुआ है, ऊपर टोटल इनकम है, अगर ये वाला इनकम आपका लेस देन और इक्वल टू किसके होता, नीचे चली जाती हूँ, अगर ये इनकम मेरा लेस देन और इक्वल टू 50 लाख होता तो कोई सरचार्ज नहीं होता, तो मेरा जो टोटल टैक्स है विदाउट सरचार्ज वही आता जो यहां पर ऊपर कैलकुलेट हुआ है वही आता, कॉमा, बट अगर ये 50 लाख से अबव हो जाता तो सरचार्ज आता, लेकिन 1 करोड़ वाली लेन में जो आता है उसी में, उस पे 50 लाख तक तो टैक्स इतना बनता है, वो तो हमने कैलकुलेट कर दिया, तो इस इट मींस कि आपने दूसरा लगाना है कि अगर D6 जहां पर आपने इनकम लिखी हुई है लेस देन और इक्वल टू किसके होता 1 करोड़, तो 1 करोड़ लिख दीजिए, देन उस केस में आप यहां पर टोटल टैक्स कितना लिखा था इतना, कॉमा, फिर इफ आपका D6 जो ऊपर इनकम लिखी होती है वो लेस देन और इक्वल टू 2 करोड़ होता तो 1 करोड़ तक देखते कितना टैक्स बनता है, 2 करोड़ होता तो उस केस में मेरा टैक्स 1 करोड़ तक टैक्स कितना बनता, इतना और जितना एडिशनल इनकम ऐड किया वो, मतलब इतना मैं रेडी हो जाती देने के लिए, कॉमा, ठीक है। इफ फिर एक और आएगी कंडीशन कि मेरा अगर D6 लेस देन और इक्वल टू 5 करोड़ है, ये 40 लिखा मैंने, हाँ, तो उस केस में अगर 5 करोड़ है
उस केस में मुझे कितना टैक्स देना पड़ता? यहाँ पीछे वाली जो J41 है वो वाली जो भी मैंने 2 करोड़ वाला दिया हुआ है वो, अदरवाइज मुझे कितना देना पड़ता है? J42 हो जाता मेरा। और सारी ब्रैकेट्स जो है आप इफ की क्लोज कर दीजिए। यहाँ पर कुछ J39 वो क्या बोल रहा है? अच्छा यहाँ इफ नहीं लगाया ना हमने, इफ हम ध्यान से देखिए कि यहाँ पर क्या आ रहा है, क्योंकि जो ऊपर इनकम दे रखी है ना, ऊपर इनकम देखो, मैंने आपको 51 लाख के अकॉर्डिंग करना सिखाया ना। देखिए मैंने 51 लाख लिखती हूँ, यहाँ पर मैंने 51 लाख लिखा, 51 लाख पर मेरी टोटल टैक्स लायबिलिटी कितनी बनती है सर चार्ज ऐड करने पर? 14,76,750, ठीक है, ये मैंने यहाँ पर निकाल के दिखाई आपको कि कैसे निकलती है, राइट। अब क्योंकि मैंने 51 लाख कमाया तो 10% ऊपर सरचार्ज लगा, तो मैं ये देखूंगी कि अगर मैं 85 कमाती तो मैं कितना अर्न करती, अगर मैं 85 कमाती तो मैं इतना अर्न करती और मैक्सिमम मैं कितना टैक्स देने के लिए रेडी हो जाती, जो 50 लाख में से जो वो उसमें से 50 लाख माइनस कर दो और वो जो एक्स्ट्रा इनकम कमाई है वो भी मुझसे ले लो। तो यहाँ पर वही हुआ है, ठीक है, इतना ही बन रहा है टैक्स आपका, ठीक है, ये मेरा टैक्स बन रहा है, लेकिन मैं रेडी कितना है देने के लिए? तो अगर मैं सिर्फ ये देखिए, ठीक है, अगर 50 लाख 1 करोड़ से कम है तो वो ये वाला सेल उठा लेगा, ये सेल उठा लिया, और इसमें ऐड क्या करूंगी? एडिशनल इनकम, ऐड एडिशनल इनकम, एडिशनल इनकम। तो ये तो सिंपल सा ही है आपका कि एडिशनल इनकम आप 1 लाख ये कैसे ऐड करोगे, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एडिशनल इनकम के लिए देखो आपको अब क्या करना पड़ेगा, इंडेक्स फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अब आपको हो कि इंडेक्स फॉर्मूला हमें क्यों लगाना है, मैं आपको बताती हूँ, पहले समझो फिर मैं आपको दोबारा लगा के भी दिखाती हूँ। देखिए D6 मींस मेरी टोटल इनकम 51 लाख में से माइनस क्या करेगा, 1 लाख करे जितनी ऊपर इनकम कमाई है ना, अगर मैंने 52 लाख कमाई है तो उसमें से 52 लाख में से अब 50 लाख माइनस करे, 1 करोड़ माइनस करे, 2 करोड़ या 3 करोड़। अब उसके लिए तो मुझे देखना पड़ेगा, मुझे लुकअप वैल्यू करनी पड़ेगी कि यहाँ पर ये लिखा हुआ है, यहाँ पर ये लिखा हुआ जो भी वैल्यू ऊपर आएगी, ठीक है, उसके सामने जो इनकम के नीचे जो वैल्यू होगी 2 करोड़ है या 1 करोड़ है या 50 लाख है उसको माइनस करें। वी लुकअप से तो हम कर नहीं सकते, क्यों? क्योंकि वी लुकअप जो है वो रिवर्स जो है वो फाइंड आउट नहीं करता, वो क्या होता है वो अपने आगे वाले कॉलम्स में फाइंड आउट करता है। रिवर्स फाइंडिंग करना है तो मैंने आपको इंडेक्स फॉर्मूला सिखाया था। अब आप जैसे ही इंडेक्स लगाते हो वो कहता है कौन सा एरे, किस एरे में फाइंड आउट करना है, मुझे इसमें फाइंड आउट करना, मैंने ये पूरा टेबल सिलेक्ट कर लिया, फिर कौन से कॉलम और कौन सी रो में, सबसे पहले वो हमसे क्या पूछता है कि रो बताइए, तो रो के लिए हमने कौन सा फंक्शन किया था, मैच फंक्शन किया था। तो मेरी लुकअप वैल्यू क्या है, मैंने कहा मेरी लुकअप वैल्यू जो है मैंने ये फाइंड आउट करना है, ये फाइंड आउट करना है, लुकअप वैल्यू ये वाली है, ये मुझे फाइंड आउट करना है, राइट, और किस में फाइंड आउट करना है, इस वाले में, ठीक है, इसमें देखेगा वो कौन सी रो में है, फर्स्ट में है, सेकंड में है, थर्ड में है, इसमें मुझे फाइंड आउट करके देगा। तो ये आ गई आपकी रो, यहाँ पर रोज फाइंड आउट करेगा, ऐसे कॉलम फाइंड आउट करता है, तो ऑब्वियसली इसको लुकअप करेगा। जैसे ही लुकअप किया उसने देखा ये किस में आ रहा है, सेकंड वाली रो में आ रहा है, सेकंड ले लेगा यहाँ पर। फिर मुझे कॉलम भी देखना है, कॉलम ये वाला, तो मैंने फिर मैच लगाया, तो क्या फाइंड आउट करे, F38, ठीक है, ये F38 इनकम जो है उसको फाइंड आउट करेगा, राइट, किस में फाइंड आउट करेगा, इस वाले में, इस वाले में, मुझे इनकम के अंडर देखना है ना, तो ये पूरा आप सिलेक्ट कर लोगे, इसमें ये वाला जो है सिलेक्ट करेगा। तो कॉलम कौन सा आ गया मेरा, फर्स्ट कॉलम आ गया, सेकंड रो, और उसके सामने क्या आ गया, 50 लाख, वो 50 लाख रिटर्न कर देगा, एंटर करो तो देखिए आपको 1 लाख आ गया। चलिए 1 करोड़ 1 लाख देते हैं, जैसे हमने ऊपर किया 1 करोड़ 1 लाख देके देखते हैं। ये देखिए ये मैंने आपको बताया था, ठीक है, अगर मैं 1 करोड़ 1 लाख कमाती हूँ तो टोटल कितना मुझे टैक्स देना पड़ेगा, 32,68,875। पीछे देखिए मैंने कैलकुलेट करके दिखाया आपको, इतना ही देना पड़ेगा। बट हम कितना रेडी होंगे, 1 करोड़ पर जितना टैक्स आता है
वन करोड़ पर टैक्स कितना आता है वो हमने ऑलरेडी कर लिया कि वन करोड़ पर इतना आता है, क्या उसने वही उठाया? मैंने यहाँ फॉर्मूला इफ का लगाया हुआ है कि अगर मेरी टोटल इनकम वन करोड़ से ज्यादा है, टू करोड़ से कम है, तो वो इस वाले उसमें जाके इसको, ठीक है, इसको फाइंड आउट करके यहाँ पर ये लिख देगी। अब देखो 1 लाख माइनस उसने कैसे किया, चलिए मैं 1 करोड़ 1 लाख ना लिख के मैं 1 करोड़ लिख देती हूँ, 1 करोड़ 1 लाख 20,000 लिख देती हूँ। चलिए देखिए ऊपर तो मैंने इतना ही कमाया 1 करोड़ 20 लाख, अपने आप माइनस कर देगा ना, ये वाला लेगा ऊपर मेरी D6 लेगा, फिर वो मैच करेगा कौन से कॉलम में आ रहा है, कौन सी रो में आ रहा है, ये वाला सेकंड रो में आ रहा है, कौन सा कॉलम है इनकम वाला फर्स्ट कॉलम है, तो इसमें से ऊपर वाली इनकम को माइनस कर दिया 1,20,000, मतलब मैक्सिमम मैं इतना रेडी होंगी देने के लिए। इन दोनों को माइनस कर देगा, दिस इज माई मार्जिनल लीफ, ये मेरा मार्जिनल लीफ आ जाएगा, ठीक है। इसी कॉलम को मैंने यहाँ पर मार्जिनल लीफ यहाँ पर आपने लिखा हुआ है, उसी को जो आपने नीचे मार्जिनल लीफ निकाला है आपने उसी को एक्सेस कर लिया, यहाँ पर ये एक्सेस कर लिया मार्जिनल लीफ, तो टोटल जो भी आपकी इनकम बनी है उसमें से आप माइनस कर दीजिए, ये आपका टैक्स लाइबिलिटी आ गया। इस पर आपने 4% जो है वो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एड कर देना है, ठीक है। आप देखिए इस पर एजुकेशन सेस मैंने 4% ऐड कर दिया, दिस इज आवर टोटल टैक्स लायबिलिटी। ये वाली शीट मैं आपके साथ शेयर करूंगी, लेकिन आपने 115BAC की शीट खुद बनानी है, वो आपने मेरे साथ शेयर करनी। ये शीट आपको एज इट इज मिलेगी, इसमें जो भी फॉर्मूला है आप एक बार फॉर्मूलास वगैरह सारे चेक कर सकते हैं कि कैसे कैसे कौन कौन सा फॉर्मूला लगाया हुआ है, वो सारे चेक कर सकते हैं। तो अब आगे लेक्चर देखने से पहले इतना काम करके देखो, और इसी में मैं आज आपको एक्स लुकअप भी बताती हूँ, ठीक है। चलिए अब आप कहोगे कि मैम जो ये वाला हमारा मैच वाला फंक्शन या इंडेक्स है, हम ना कंफ्यूज हो जाते हैं समटाइम, तो एक्स लुकअप फंक्शन आप बात कर रहे थे, हाँ एक्स लुकअप बहुत ही ज्यादा पावरफुल फंक्शन है, अगर आपने उसका यूज करना सीख लिया देन आप भूल जाओगे कि हमें वी लुकअप लगाना है, इंडेक्स लगाना है। तो एक्स लुकअप जो है आपकी जो वर्जन है 2016 से अब, या आप ऑफिस 365 यूज कर रहे हो तो उसमें भी आएगा, अदरवाइज आपका एक्स लुकअप फंक्शन जो है एक्टिवेट नहीं होगा, राइट। तो मैं आपको उसका यूज बता देती हूँ, ऑब्वियसली आप किसी ऑफिस में जाते हो तो वो लेटेस्ट वर्जन का ही यूज करते हैं, अगर एक्सेल में उनका बहुत काम है ऑब्वियसली जो न्यू एक्सेल है उसमें बहुत सारे नए फीचर्स हैं, जैसे हमने पावर क्वेरी की थी, पावर पिवट किया था, फिर देखिए उससे कितने अच्छे डैशबोर्ड हैं, हम अपने टेबल्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको एक्सेल की जो रियल पावर को यूज करना है तो उसका लेटेस्ट वर्जन ही यूज करो, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको लेटेस्ट वर्जन की भी ऑब्वियसली आपको सारे फंक्शंस बताऊंगी, कभी भी आपको मौका मिलता है कि हाँ मुझे लेटेस्ट वर्जन पे काम करना है तो इन फंक्शन का यूज जरूर करके देखिए। आप मुझे ये बताइए ये फंक्शन काफी लंबा नहीं हो गया, और इसको ये समटाइम्स ये ह्यूमन नेचर है, हम इसको रेगुलर यूज नहीं करेंगे तो समटाइम्स हमारे माइंड से स्किप हो जाता है कि हमने कैसे किया था, बट एक्स लुकअप वेरी वेरी इजी, कैसे आइए मैं आपको एक्स लुकअप बताने जा रही हूँ। निकालना क्या है, मुझे ये वैल्यू देखनी है, इनमें से ये वैल्यू जो है वो पिक करनी है, माइनस करना है ऊपर वाली इनकम में से, यहां से जो भी इसके सामने जो यहाँ वैल्यू लिखी है इसके सामने जो भी यहाँ पर वैल्यू होगी वो माइनस करनी है मुझे। तो देखिए एक्स लुकअप कैसे फंक्शन जो है वो वर्क करता है, आपने एक्स लुकअप लिख लिया, पहले कहता लुकअप वैल्यू, आप क्या ढूंढना चाहते हो, लुकअप क्या करना चाहते हो, मैंने कहा मुझे ये फाइंड आउट करना है, वो कहता कहां पर फाइंड आउट कॉमा, कहता लुकअप एरे, आप इसको कहां पर फाइंड आउट करना चाहते हैं, मुझे यहां फाइंड आउट करना है, बस इतना देना है मुझे, इस वाले कॉलम में इसको फाइंड आउट करना है, राइट। फिर मैंने कॉमा दिया, कहता रिटर्न एरे, अच्छा इसमें फाइंड आउट करके इसके सामने की कौन सी वैल्यू आप रिटर्न करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि इसके सामने इस वाले कॉलम की वैल्यू को रिटर्न करें, बस इतना काम करना है, आपने ब्रैकेट क्लोज करना है, एंटर कर देना है, हमने क्या नहीं किया D6, टोटल इनकम में से माइनस भी तो करना ना, D6 माइनस, वो नहीं काम किया, देखो आ गया ना 1,20,000। अब सोचो यहां मैंने कितना लॉन्ग फंक्शन लगाया है, इस फंक्शन को देखिए, ये वाला फंक्शन मैं कॉपी करके
एक बार कंपैरिजन में लाती हूँ उसको। ये फंक्शन लिख दिया और इस सेम मैं आपके एक्स लुक अप फंक्शन को भी यहां पर लिख देती हूँ। अब एक बार कंपैरिजन करो दोनों में, देखो ये कितना लॉन्ग बन जाता है, इधर आगे भी जा रहा है इवन, राइट? और ये देखो कितना स्मॉल है, तो हुआ ना पावरफुल। आपको कुछ ज्यादा याद नहीं रखना, इसमें सिर्फ ये पूछता है कि क्या लुकअप करना है, वो सेल का नेम दे दो, कहाँ लुकअप करना है वो कॉलम दे दो, कौन से कॉल आपको जो है एरे के रिटर्न करेगा वो दे दो, आपकी जो है वैल्यू रिटर्न हो जाएगी। मैम इतना ही होता है कि एक्स लुकअप एच लुकअप की तरह भी वर्क करता है, बिल्कुल एच लुकअप की तरह भी काम करता है, हॉरिजॉन्टली देखना है ना आपको। अभी मैंने ऐसे कॉलम सेलेक्ट किया है, आप ऐसे रो सेलेक्ट करो कि रो में से वो डेटा फाइंड आउट करेगा, नीचे वाली कौन सी रो का डेटा रिटर्न करना है आप वो भी दे सकते हो। तो आप पर डिपेंड है, आप जब न्यू शीट ये बनाएंगे, अगर आप लेटेस्ट वर्जन पर काम कर रहे हैं तो मुझे एडिशनल इनकम जो है आप एक्स लुकअप के थ्रू भेज सकते हैं कैलकुलेट करके। अगर आप ओल्ड वर्जन यूज करते हैं तो मैंने आपको इंडेक्स भी बता दिया, आप उसके थ्रू कैलकुलेट करके भेज सकते हैं, ठीक है? चलिए एक्स लुकअप का और भी हम थोड़ा सा यूज देखते हैं कि एक्स लुकअप और कहाँ कहाँ यूज है। ये आपका देखिए बहुत ही मस्त सैलरी कैलकुलेटर बन गया है, आप किसी की भी सैलरी यहाँ पर टोटल इनकम आप डालेंगे, क्या उसका टैक्स जो है वो ठीक कैलकुलेट हो रहा है या नहीं हो रहा वो अपने आप बता देगा, ठीक है? कि आपने जो उसका टैक्स कैलकुलेट किया है क्या इतना ही बन रहा है कि नहीं बन रहा, उसकी टोटल इनकम डालो, उसका जो अल्टीमेटली जो टैक्स है आपको कैलकुलेट होके यहाँ पर मिल जाएगा, ये टोटल टैक्स लाइबिलिटी उसकी कैलकुलेट होके आ जाए। देखिए अगर मैं 5 लाख डालती हूँ तो 5 लाख तक आपको पता है कि 5 लाख तक तो टैक्स लाइबिलिटी हमारी क्या हो जाती है, नील हो जाती है। तो 5 लाख डाल के देखिए 50 लाख डालती हूँ मैंने, ये देखिए तो हमारी टैक्स लाइबिलिटी नील नील हो गई। बस ये गड़बड़ है, ये नहीं आना चाहिए, एनए एनए नहीं आना चाहिए। तो इसके लिए क्या करें, ये नहीं आना चाहिए, ठीक है? उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर जब भी फंक्शन लगता है ना, तो मैंने आपको बता रखा है आपको एक फायदा एक्स लुकअप का, देखो एक्स लुकअप में भी एक्स लुकअप लगाए उसमें भी एनए आ रहा है, बट जब आप इंडेक्स वगैरह यूज करते हैं ना उसमें क्या होता है, आप क्या करेंगे यहाँ पर इस फंक्शन में इफ एरर, याद है इफ एरर मैंने आपको बताया था, इफ एरर कि अगर एरर आता है, इफ एरर वैल्यू ये दे दी, ठीक है? इफ एरर अगर वैसे यही है, अगर एरर आए तो क्या हो जाए, यहाँ पर ब्लैंक हो जाए, बस ऐसे ही इसमें भी करना है, इफ एरर आपको देना पड़ेगा कि इफ एरर, सबके सामने आपको इफ एरर फंक्शन लगाना पड़ेगा, ये करे, ठीक है? कॉमा अदरवाइज वो ब्लैंक रिटर्न करते हैं, दैट्स इट। तो ये काम आपको करना है, इफ एरर लगाना कि आपको किसी कहीं नॉट एप्लीकेबल ना आए, क्योंकि उसके पहले आपको एक्स लुकअप में भी तो ऐसा ही होता है ना, देखिए इसमें भी तो एरर है। देखिए जब आप एक्स लुकअप वाले फंक्शन में जाते हैं, मैंने आपको तीन पैरामीटर ही बताए हैं, आप एक्स लुकअप फंक्शन में जाते हैं, पहला होता है कि कौन सी लुकअप वैल्यू, सेकंड होता है कहां से उसने लुकअप करना है, थर्ड होता है कि कौन से एरे कॉलम की उसने वैल्यू रिटर्न करनी है, और उसके आगे होता है कि इफ नॉट फाउंड, अगर उसको वैल्यू ना मिले तो क्या लिखे, ब्लैंक करे या कुछ लिख दे, हम कहते हैं कि वो लिख दे नॉट फाउंड, कुछ भी लिख सकते हैं आप, आपको ब्लैंक लीव करना है आप ब्लैंक लीव कर दीजिए, इट्स अप टू यू, और ब्रैकेट आप क्लोज कर दीजिए। देखिए अब मैंने यहां पर कुछ गड़बड़ की है, अच्छा D6 में से माइनस करता ना, D6 में से नॉट फाउंड माइनस करेगा तो कैसे आएगा, तो यहां पर अगर उसको वैल्यू नहीं मिलती है ये आपको 2 मिनट लॉजिक लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर 0 भी रिटर्न करेंगे अगर उसको नहीं मिलता वैल्यू, देन जो सेम उसका इनकम है वो ही कर देगा ताकि मेरा नेगेटिव ही वैल्यू आए, 0 आ गया।
मीन्स यहाँ पर हमें इफ एरर लगाना पड़ता है, पर एक्स लुकअप में ही वो अपने आप ही पूछता है कि अगर उसको वैल्यू ना मिली तो क्या लिखना चाहते हो। मीन्स एक और एडिशनल फंक्शन मुझे ऐड नहीं करना पड़ता, उसके अंदर ही आर्गुमेंट है कि आपको क्या लिखना पड़ेगा। तो एक्स लुकअप में आपके जो भी, मैंने ये भी बता दिया कि अगर एरर आता है तो उसके अंदर है उसका फोर्थ आर्गुमेंट जो है, उस वहां पर आप स्पेसिफाई कर सकते हो कि अगर उसको वैल्यू नहीं फाइंड आउट होती तो वो क्या रिटर्न करे। चलिए, ये हो गया आपका सैलरी कैलकुलेटर जो आपने बना दिया। कभी भी एन नहीं आना चाहिए, नॉट एप्लीकेबल नहीं आना चाहिए, उस चीज का आपने ध्यान रखना है। इसलिए सेपरेट सेपरेट वैल्यूज को ऐड करके देखो कि वैल्यूज कैसे हो रही हैं। ये शीट आपके साथ शेयर की जाएगी और 115 VAC